इस समय भी पिछले समय की रिकॉर्ड तोड़ेगी। जो पिछले समय 68 सीट जीते थे, 68 सीट जीते थे, इस समय 75 सीट जीतेंगे। आज नामांकन रैली में आदरणीय टीएस सिंहदेव जी, महाराज सरगुजा, आदरणीय भाई अमरजीत भगत जी, हमारे मंत्री और हमारे वरिष्ठ साथी डॉक्टर प्रीतम राम जी के नामांकन रैली में शामिल होने आया। और अभी रायगढ़ में 4 विधायक के जो प्रत्याशी हमें कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी, उनके नामांकन वहां से करा के सीधा यहां पहुंचाऊंगा। और जबरदस्त भीड़ वहां इंतजार भी कर रही है, सभा संबोधित करेंगे। और अभी सभी जगह नामांकन रैली में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। और बहुत खुशी की बात है कि सब जगह, चाहे किसान हो, मजदूर हो, महिला हो, नौजवान हो, व्यापारी हो, सभी लोग कांग्रेस की सरकार से संतुष्ट हैं। और पिछले समय जो हम लोगों ने वादा किया था, उस पर विश्वास करके लोगों ने मतदान किया था। इस समय हमारे जो काम है, कांग्रेस सरकार के जो कार्य है, उससे प्रसन्न होकर हमको मतदान आशीर्वाद देंगे, वोट देंगे। आप लोगों तरफ से कोई सवाल? मास्टर स्ट्रोक क्या रहेगा इस बार के चुनाव का? देखिए, मास्टर स्ट्रोक तो हो गया, ऋण माफी हमने कर दी, 20 क्विंटल दान करी थी, फैसला हो गया। राहुल जी ने जाति जनगणना की बात कही और प्रियंका जी ने 17.5 लाख आवास की बात उन्होंने कही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अभी तक चुप है, कुछ बोल नहीं पा रही है। अनुपनाथ के खिलाफ आप सीएम रहे हैं, इस बार बाबा साहब को इनको सीएम के लिए क्या है, आप बताइए। ये तो हाईकमान के ऊपर है, फिर भी आपके बड़े भाई, आप जैसा मानते हैं। मेरे बड़े भाई हैं, हमेशा रहेंगे बड़े भाई, छोटे थोड़ी हो जाएंगे, हमेशा बड़े रहेंगे। भाई पार्टी के खिलाफ यदि कोई चुनाव लड़ेगा, चाहे कोई भी हो, उसके खिलाफ तो अनुशासन की कार्रवाई करनी पड़ेगी। और किया गया तो उसका स्वागत। कब तक जारी होगा ये सवाल तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ, हम तो 4 घोषणाएं कर चुके हैं। अब कल राहुल जी आ रहे हैं, कुछ और घोषणाएं होगी, फिर परसों प्रियंका जी आ रहे हैं, फिर और गारंटी देंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्यों सांप सूंघे, अभी तक एक भी बात नहीं कर पा रहे हैं। बिलासपुर मेयर बेलतरा से चुनाव लड़ रहे हैं, अभी मुझे जानकारी नहीं है, आप बता रहे हैं।